भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा हाजिर हूं आज की स्पेशल खबर के साथ। भदोही स्वास्थ्य विभाग द्वारा 371 टीमों का हुआ गठन, चारों ब्लॉकों में डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण कर होगी कोरोना सहित अन्य बीमारियों की जांच। कोरोना व संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष कोविड संक्रमण नियंत्रण अभियान के तहत डोर टू डोर लोगों के स्वास्थ्य जांच शुरू की जा चुकी है। आशा व एएनएम की 2 सदस्यीय टीम लोगों के घर जाकर बाहर से आने वाले परिवार के लोगों की सूची तैयार कर रही है। सर्दी, खांसी, बुखार, डायबिटीज, किडनी व अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों का डाटा तैयार किया जा रहा है। ऐसे लोगों का स्वैब लेकर कोरोना जांच कराई जाएगी। सभी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ओर से गांवों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से ग्रामीणों की सूची तैयार कराई जा रही है। एएनएम की निगरानी में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सीएचसी पर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी। रिपोर्ट में कोरोना लक्षण वाले अस्वस्थ लोगों का स्वैब नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोगों को अस्पतालों में आइसोलेट किया जाएगा। अभी तक जिले में केवल महाराजा बलवंत सिंह जिला अस्पताल भदोही में ही कोरोना संदिग्धों का स्वैब लिया जा रहा था। स्वैब सैंपलिंग की रफ्तार धीमी थी। कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। सूर्यावा, औराई, गोपीगंज व डीग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वैब सैंपलिंग चल रहा है। सीएचसी भदोही अस्पताल एलएक श्रेणी का है, जिससे वहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों को आइसोलेट किया जाता है। जिले की 17 लाख की आबादी के स्वास्थ्य सर्वे के लिए 4 ब्लॉकों में 371 टीमों को लगाया गया है। 15 जुलाई तक चलने वाले अभियान में सीएचसी गोपीगंज, औराई, सूर्यावा व डीग क्षेत्र के अस्वस्थ लोगों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों का स्वैब जांच कराया जाएगा। जांच के लिए गोपीगंज में 82 टीमें, औराई में 90 टीमें, डीग में 72 टीमें व सूर्यावा में 73 टीमें गठित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें बीमार लोगों का डाटा बेस तैयार कर स्वैब जांच कराया जाएगा। सर्वे कार्य की गुणवत्ता को सीएचसी अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है।